युवा हो, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं सता नहीं रहा आपको? बेरोजगारी सर, जो काम नहीं करेगा उसको बेरोजगारी लगेगी। कुछ काम करते रहो, कभी बेरोजगारी नहीं आएगी। कुछ कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं से इनकम आने का है, तो बेरोजगारी नहीं है। जो घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं वही मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी है। पक्ष कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है देश में, तो हमेशा से चलती आ रही है। उसी हिसाब से तनख्वाहें बढ़ रही, उसी हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अब वो दूसरे देश के आके यहाँ आके ब्राह्मण बन रहे हैं, वो कब से हो गए? जिसका दादा जो है मुस्लिम वंशज था और जिसकी माता जी बाहर से हैं, वो यहाँ आके अपने आप को ब्राह्मण किस हक से कहता है? सर, क्या लग रहा है 2024 में सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन होगा प्रधानमंत्री पद के लिए? अभी तो मोदी जी लग रहे हैं, अभी तो कोई आगे अभी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मोदी जी लग रहे हैं? अभी तो मोदी जी लग रहे हैं। पक्ष कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है देश में, तो हमेशा से चलती आ रही है। उसी हिसाब से तनख्वाहें बढ़ रही, उसी हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही। मोदी जी काम से नाराज नहीं है? नहीं, क्या क्या है कि नाराज भी? नाराज तो सबके काम से ही है। सबके काम से नाराज है? सबके काम से नाराज है। ये कांग्रेस कहती है कि मोदी जी ने देश को तोड़ दिया, देश बर्बाद कर दिया, तो भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले। आती है तो मोदी जी खराब हो जाते हैं, जब मोदी जी आते हैं तो कांग्रेस खराब हो जाती है। ऐसे ही चलता रहता है, तो चलते रहे पॉलिटिक्स से। प्रधानमंत्री मोदी चाहिए अभी तो फिलहाल, भाई चाहिए तो बाकी अभी कोई है नजर ही नहीं आ रहा कोई। अच्छा, अगर आएगा भी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे फिर। अच्छा, भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम बताइए। पप्पू यादव। पप्पू जी, क्या लग रहा है 2024 में सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार कौन होगा? मोदी होगा। मोदी जी क्यों? नहीं, वही जरूरी है देश के लिए। और महंगाई और बेरोजगारी के जो मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहा है, उस पर क्या कहेंगे फिर? वो नहीं, वो भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सारे काम, कोई एक बार में थोड़ी ना। उम्मीद है मोदी जी कर लेंगे। करेंगे। अच्छा, दिल्ली में अभी आप खड़े हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी राष्ट्रीय पार्टी बनाई है हाल ही में, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को मौका देगी जनता? पता नहीं, देखो आगे क्या होता है। आपको क्या चाहिए फिर मोदी जी? हाँ जी, और भाई क्या नाम है? संस्कार। संस्कार, ये बताओ किसको देखना चाहोगे प्रधानमंत्री? कोई डाउट नहीं सर, बीजेपी ही है। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट। युवा हो, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं सता नहीं रहा आपको? बेरोजगारी सर, जो काम नहीं करेगा उसको बेरोजगारी लगेगी। कुछ काम करते रहो, कभी बेरोजगारी नहीं आएगी। कुछ कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं से इनकम आने का है, तो बेरोजगारी नहीं है। जो घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं वही मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी है। देश के युवा हो, कांग्रेस पार्टी में भी एक युवा है राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पे आजकल निकले हुए हैं। 50 साल का सर कब से युवा होने लगा? वो तो कहते हैं नहीं, 50 साल का युवा शादी ना करो तो युवा थोड़े होता है। अरे रेस लगा रहे, फुटबॉल खेल रहे युवाओं की तरह। कहने की बात है, हम अपने स्वदेशी पार्टी जाना चाहते हैं। अब वो दूसरे देश के आके यहाँ आके ब्राह्मण बन रहे हैं, वो कब से हो गए? जिसका दादा जो है मुस्लिम वंशज था और जिसकी माता जी बाहर से हैं, वो यहाँ आके अपने आप को ब्राह्मण किस हक से कहता है? कहीं से ब्राह्मण नहीं होता है। कहने की बात है, कहने को तो हम भी कहते हैं, हम भी जो है चंद्रशेखर आजाद हैं। अच्छा, हाँ। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब नोटों पे भगवान गणेश की, लक्ष्मी माता की फोटो लगाई जाए, हम बड़े हिंदू हैं। आम आदमी पार्टी बड़ा हिंदू होने का आजकल दावा कर रही है। सर ये जो है बीजेपी के हिंदू पक्ष में आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ। आज तक जो है इतनी बार जो है हिंदू पक्ष की बात हुई गई, हिंदू तब तक कहाँ मर गया था? हिंदू की बात तब तक ना तो आम आदमी उठा रही, ना कांग्रेस उठा रही थी, और जो बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं, कोई भी हिंदू धर्म के बारे में नहीं, जितनी गालियां दे सकती थे उतनी दी जा रही थी। आज जब बीजेपी आई है, कही है हिंदू जो है हिंदू, हम हिंदू के लिए काम करेंगे, तो जितनी भी कांग्रेस पार्टियां आ रही है ये भी कह रही है हम हिंदू बनेंगे, जितनी भी ये आम आदमी पार्टियां ये भी कह रही है भैया हम तो सबसे बड़े हिंदू हैं। जब आज हिंदू तो जाग रहा है, तो सारी पार्टियां जान रही है हिंदू को जो सपोर्ट करेगा वही जीतेगा। तो जो एक मुद्दा उठाया है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, सिलेंडर 1000 के पार जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बीजेपी को नुकसान देगा 2024 में? नहीं, कोई नुकसान नहीं देगा सर। पहले आपकी इनकम भी तो जो है कितनी थी, 4000, 5000, 10000, आज आपकी इनकम भी तो बढ़ी है। जब इनकम बढ़ेगी तो सर वो तो बढ़ेगा ही, कुछ ना कुछ आपके पैसे आएंगे तो कहीं तो जाएंगे, ऐसा होता रहता है ये। अच्छा अंकल जी, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, ये बताइए 2024 में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा। मोदी क्यों आएंगे? सही है भाई, मोदी है तो मुमकिन है। क्या महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, सब फेल है। अच्छा, सब फेल है। जो सिलेंडर 1000 के पार जा रहा है, 100 के पार, कमाई कम हो गई, बताइए कमाई, लाख रुपए कमाता हूँ मैं। राहुल गांधी कह रहे देश डूब रहा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं, वो बाबा जी बन गया भाई। 2024 से दोबारा मोदी जी आएंगे, क्या लग रहा है? ये आना तो चाहिए, आना चाहिए, पसंद कर रहे हैं आप ये? विपक्ष कह रहे हैं देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर मोदी जी क्यों? ये तो बढ़ाव चढ़ाव तो चढ़ता रहता है। अच्छा, मोदी जी पसंद कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं? तो भाई साहब ये बताइए कि किसको देखना चाहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री, सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन होगा? मैं तो कांग्रेस में से किसी को चाहूंगा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, खुश हैं उनके काम से?
हम इसी कांग्रेस आएगा, वक्त आएगा कांग्रेस में से कोई आएगा, चेहरा कोई आएगा। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बनाई है, क्या लग रहा है कि जनता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखना चाहेगी? भाई अभी तो केजरीवाल पहले दिल्ली में पहले काम कर ले, पहले आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को पहले कौन जानता था, वो तो पहले अन्ना हजारी के साथ में बैठा, अनशन में बैठा था, उसमें जानकारी हुआ तब ने राजनीति बनाया। भाई उससे पहले कोई जानता था केजरीवाल को? एक छोटी सी भाई, केजरीवाल जी जब उन्होंने पार्टी बनाई थी अन्ना जी को गुरु मानते थे, योगेंद्र यादव जी बड़े भाई थे, कुमार विश्वास छोटा भाई था, आज पिताजी गायब हो गए, बड़े भाई गायब हो गए, छोटे भाई गायब हो गए, अब ये जो नई एक चंडाल चौकड़ी सी बना के वो काम कर रहे हैं उसमें नहीं है, जितने भी पुराने साथी हैं उन्हें साथ लेके करना चाहिए, कुमार विश्वास जी हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबको साथ लेकर चलने आगे बढ़ना चाहिए, अगर सबको आगे लेके बढ़ोगे तो सही है, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें ही आप छोड़ दो। निकाल दिया उन्होंने पुराने, आप ये बताओ ना जब आम आदमी पार्टी चालू हुई थी जो पुराने कार्यकर्ता थे वो कहाँ गए? आज आधे से ज्यादा कांग्रेस तोड़ के उन्होंने आम आदमी पार्टी बना रखी, आज उनके अगर कितने 63 विधायक हैं, 63 में से जो कांग्रेस के टाइम में 40-45 विधायक थे वो आज बने हुए, या चांदनी चौक से ले लो, पहला सिंह सानी जी थे पहले कांग्रेस से विधायक, आज वो आम आदमी पार्टी से हैं।